ये कहानी सुनने के बाद अगर आपकी लाइफ ना चेंज हुई तो फिर लिटरली ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, माइंड सर्जरी नहीं। अलेक्जेंडर कौन भी बता दे क्या हो गया, मशहूर नाम है अलेक्जेंडर कौन था जी? कौन किधर का था? सकना खाना कौन सा था उसका? भैया किधर है ये मैसेडोनिया? ग्रीस का, ग्रीक किंग था, ठीक है? यस एवरीबॉडी क्लियर? ग्रीक किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्या किया उसने? पूरी दुनिया फतह कर ली। कैसे कैसे? आपको मैं अभी ये बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देना है, अब शुरू होने लगा है, आपको असली दर्द शुरू होने वाला है, तब आपको पता चलेगा। ये साइंस खोलने के से पहले अगर मैं दीन खोल देता ना, तो आपने कहा था मौलवी साहब सुनने, मगरिब से पहले पहले आपने मगरिब की बातें शुरू कर दी हैं, आप किसी और अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा अल्फा कुछ और है। ये मौलवियों को मस्जिद में समझ नहीं आ रही कि किसी और अल्फा के बेटा आ जाते हैं, जिसको पाकिस्तान में बीटा कहते ना, मैं जान के अमेरिकन बेटा बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्फा का बेटा ही होता था, और वो बैठे बोल रहे थे कि सर जल्दी करें, मैंने फ़र्ज पूरे करने हैं दो, और वो बता रहा था अल्फा बेटा अल्फा हमारा अल्फा, वो कहता नहीं अंकल आपका नहीं मेरा अल्फा, मेरा अल्फा इस वक्त वेट कर रहा है, बताता हूँ वो कौन है। अलेक्जेंडर की कहानी से पता चलेगा ये वाक्य पहली दफ़ा नहीं हुआ, ठीक है, जो आपके साथ हो रहा है, ये एक दफ़ा पहले हो चुका है। अलेक्जेंडर द ग्रीक किंग, लेट मी जस्ट कट टू द चेस बिकॉज आई एम शॉर्ट लिटिल टाइम। अलेक्जेंडर ने एक काम किया जिसकी वजह से नबी सलाम ने हदीस शिफा फरमाई कि तुम्हारे साथ वही होगा जो बनी इसराइल के साथ हुआ है, दे विल गो थ्रू दैट वन होल, यू आर गोइंग टू फॉलो देम थ्रू दैट होल। और सुनने इस बात को, आइडेंटिटी कैसे क्लियर की है नबी सलाम ने, और जैसा एक जूता दूसरे जूते से आपस में कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, तुम भी ऐसे ही करोगे, सेम बिल्कुल प्रोटोटाइप ही सेम हो जाएगी। हदीस पता ना, नहीं पता तो आपस चल गई, आपस चल गई आपको। आइडेंटिटी कैसे कंफ्यूज करते हैं, नबी सलाम ने आइडेंटिटी हदीस बताई, और मैं आपको भी आयतें बताता हूँ आइडेंटिटी की। अलेक्जेंडर ने किया क्या था, व्हाट डिड ही डू? थिंक अबाउट द बिगेस्ट पॉसिबल इवेंट गोइंग ऑन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। अलेक्जेंडर नॉट द ग्रेटेस्ट इवेंट गोइंग ऑन। अलेक्जेंडर को मौलवियों से सख्त चिढ़ थी। मौलवी कौन से अलेक्जेंडर के टाइम पे? 326 BC की तो बात हो रही है। प्रीस्ट डेल्फी? नो, प्रीस्ट डेल्फी के नहीं थे ना, वो तो रोमेनियंस हैं, रोम से कोई मसला नहीं था अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर को इशू ये था, और चले उसको जो भी इशू था, उसने किया ये कि जब उसने जेरूसलम में एंट्री, सबसे पहली एंट्री जेरूसलम में की उसने, तो उसने क्या क्या लेके आया अलेक्जेंडर जेरूसलम में? ही नेवर मैसेकर्ड जेरूसलम। व्हाट डिड ही डू? जो आपके और मेरे साथ हुआ ना, वही उधर भी हुआ था। अलेक्जेंडर ने जेरूसलम में जाके, कैमरा किधर है, अलेक्जेंडर ने जेरूसलम में जाके नेटफ्लिक्स लॉन्च कर दी। पता आपको इस बात का? Did you ever think about this? Did you ever read about this? आपका समय नेटफ्लिक्स अभी का नाम है? ये नेटफ्लिक्स नाम उधर से लिया हुआ है, आपको पता ही नहीं था इस बात का? सीरियसली नहीं पता आपको इस बात का? क्यों क्यों पता होता, मैं वैसे ही बना रहा हूं बात अभी। अलेक्जेंडर ने नेटफ्लिक्स ही लॉन्च की थी किसी और नाम से। अलेक्जेंडर ने अपना एम्फी थिएटर जेरूसलम इंस्टॉल कर दिया, द कॉलोसियम, रिमेंबर? And all of a sudden the Jews became the Hellenic Jews. वो भी फिर यो बच्चे हो गए, you know, they started telling their daddies के daddy you without. आपको नहीं समझ आएगी कि मैंने ये छोटी सी स्कर्ट क्यों पहनी हुई आदमी होने के बावजूद। और वो रह भाई बेचारा पादरी 70 का लिहाज रखता था, यहूदी जुडाइक बाइबल में तो औरत अपने नाखून भी नहीं दिखा सकती। हैव यू रेड द तलमूद? पढ़े जरूर, ओके, हाथ भी नहीं लगा सकते तलमूद को, तो खैर यू नो द जुडाइक अल्लाह ताला का जो कानून है उसमें पर्दे का इंतजाम है। उसके बाद हेलेनिक ज्यूज ने फिर टैंक टॉप्स एंड कैप्रीस निकाली, यस द ज्यूज, एंड देन दे बिकेम द वनबीज ऑफ ग्रीस, यस, एंड ऑल ऑफ अ सडन द जुडाइक एक्सप्रेशन was dramatized where in the theaters. इसलिए वो डायलॉग और ड्रामेटाइजेशन जो नजर आती है ना आपको इस वक्त तमाम तर बिब्लिकल उसमें, वो असल में हेलेनिक ज्यूज की है, उनका भी डेल्टा क्रिएट हो गया। ऑल ऑफ अ सडन आइडेंटिटी क्राइसिस आएगी जुडाइक
हाउस होल्ड के अंदर, उनके जेलट्स बोलते हैं इनको, जो मौलवी हमारा मौलवी, उनके एक्सट्रीमिस्ट, कौन है हिजाबन का क्लास में हिजाबन बैठी हुई है, हिजाब निकाब वाली क्लास में नहीं आती, कोई पॉलिसी तो नहीं है, ओ देयर यू गो, ओ देयर यू गो, सी नाउ शी एक्चुअली गोज थ्रू एन बियर्डेड मैन गोज थ्रू सम सर्टन डिसोनेंस इन पाकिस्तान, शी इज द ऑड वुमन आउट. सोचिए जरा, इवन दो यू ऑल नो व्हाई शी इज ड्रेस्ड द वे शी इज ड्रेस्ड, but she is the one who's thinking why the hell are you guys dressed the way you guys are dressed. So she wo bichari akeli lagi hai. zealot Jews, Hellenic Jews, ye exact waqia hua tha. aur uske baad unhone theatrics introduce ki, dramatize kiya religion ko apne, aur apni bible sunane ke liye, wo jo is waqt christian church mein nahi hoti, bible sunane ke liye dramatization alexander ne amphitheater ke through introduce karwai. itna bada delta create ho gaya ki Jews आपस में लड़ पड़े. मैसेडोनियन वॉर हुई, तीन कबीलों के खैर मैस मर्डर हुआ, जिसना हियर सुनी स्प्लिट होती है हमारी, उस दिन वहां पर भी शुरू हो गई. बट जो बच्चों ने फिर माइग्रेशन की, जो बच्चे, या यू नो यो बच्चे, इस्लामाबाद की टर्म में इसलिए बोल रहा, कराची में मैंने बोला यो बच्चे, नहीं बोला सर कौन से बच्चे, यो 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 बच्चा नहीं, नहीं सर यहाँ पर इनको हम कुछ और बोलते हैं, मत बताइए यार, मत बताई. फिर केपी के भी मैंने बोला यो बच्चे, लाइक यो बच्चा, लाइक यो बच्चे नहीं. इसका यार ये तो लोकल इस्लामाबाद मेरे गांव की यार स्लैंग है. यो बच्चे का मतलब होता है यो बच्चा. यू नो सेइंग, डोंट फ्लिप दिस रिस्ट, इट अ सर्टन मीनिंग. इफ आई एम नॉट ड्रेस्ड द वे आई एम ड्रेस्ड, इफ आई डोंट ट्विस्ट द वर्ब द वे आई ट्विस्ट द वर्ब, the girls are not going to look at me, then I like the chicas. That's what I'm all about. I'm all about the girls. I'm the alpha. Where? In the classroom. वहाँ जाता हूँ और मुफ्त की एक अजीबो गरीब सी एक्टिंग शुरू करता हूँ. This is what my serotonergic behavior requires me to do. So, Hellenic Jews के साथ जो कुछ हुआ, Jews के साथ जो कुछ हुआ, वो Hellenic Jews बन गए और Zealots बन गए. हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है. जरा पीछे मुड़ के देखें आगे वाले और आगे वालों को जो नजर आ रहा है, वी आर ऑल Hellenic Jews. हमारा सेरोटोनिन रिप्लेस कर दिया कैसे, हैशटैग कूल इंट्रोड्यूस कर दिया उसने कैसे, Netflix. अभी भी आपके पास के अंदर भी दो लड़कियां बैठी होती है, बात कर रही होती है Netflix पे, डार्क देखा है नहीं, पेंडू डार्क से पेंडू, डार्क से कैसे पेंडू हो गई, मैं डार्क नहीं देखा तो तुम्हें फिजिक्स नहीं समझ आएगी, उसमें टाइम ट्रेवल है. तू शाहरुख खान देखा कर बेटा, वो भी आ गई है नेटफ्लिक्स पे. लुक एट द वे द होल डेल्टा इज बीइंग क्रिएटेड, अंडरस्टैंड हाउ सेरोटोनिन इज मेकिंग यू बिहेव, चेस एन अल्फा, मिमिक समबडी समथिंग, एक्चुअली समबडी भी तो नहीं है ना नेटफ्लिक्स, उधर भी एक अमेलगमेटेड सिस्टम है. और फिर नेटफ्लिक्स के पीछे पॉलिसी आ गई कि यू हैव टू पुट सर्टन पॉलिटिकल एक्सक्लूजन इन देयर इंक्लूजन इन योर सिस्टम नाउ. स्क्रिप्ट्स में डालो, स्क्रिप्ट्स में डालो, स्क्रिप्ट्स में डालने से क्या हुआ कि अब एक लेस्बियन या गे इंट्रोड्यूस करना मस्ट हो गया हर नेटफ्लिक्स के ड्रामे में. यू अंडरस्टैंड मी, दैट्स हाउ यू प्ले द अल्फा गेम. आपको पता है, ये लड़कों से मैं जरूरी बात बता रहा हूं, एकेडेमिक रिव्यू है, गूगल कीजिएगा. 30% ड्रॉप इन टेस्टोस्टेरोन इन इंग्लिश इंग्लैंड के मेल्स इन टू जनरेशंस जस्ट बिकॉज ऑफ विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज ऑफ इंग्लैंड. आपने क्या निस्वानी तरीके से बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका, ऐसे नहीं बात करते आप. उधर आप जाए आपका पता चले द मैन स्टार्टेड बिकमिंग लेस ऑफ अ मैन. और पाकिस्तान में भी चल रहा, understand, because we change the rules. That's why I'm saying there was a manual, I swear to God, Allah ki qasam, summa Allah ki qasam, Allah ne manual de diya tha, humne padhna nahi tha. Aur wo manual se kya hona tha, oh bhai tumhari body chemistry bilkul normal rehni thi, bilkul healthy rehna tha, aur marna bhi, paida bhi khush marna tha, aur paida bhi khush hona tha, zinda bhi khush rehna tha, aur marna bhi khush tha. But nahi nahi sir, we have a certain identity we have to practice, because aapne ya Allah tune chemistry banayi thi ki tu main serotonin ke through mimicry karunga alpha ki, to alpha mere time ke upar jo bhi the maine to uski mimicry karni hai. tab Allah taala ne aapko bataya ki shuru se yahi kahani chalti aayi hai, muft ke 2-2 rupaye ke nakli khuda na bana, tera alpha ek hi hai, tujhe bata dete hain kaise alpha ki mimicry karega, hame hi pata hai, maine hi banaya tujhe, tujhe alpha de deta hu,
तो ये समझ आ रहेगी, यू वॉन्ट पोलिटिकल विक्ट्री, ये ले पोलिटिकल विक्ट्री। दुनिया में किसी लीडर को पोलिटिकल विक्ट्री उसकी एज में नहीं मिली, नबी अलैहिस्सलाम को मिल गई। दुनिया में किसी को सोशल विक्ट्री नहीं मिली, नबी अलैहिस्सलाम को मिल गई। इवन प्रॉफिट्स डिडंट गो थ्रू दैट कर्व। हज़रत मूसा के भी मरने के बाद यशू बिन नून ने ज्यूज़ को रिवाइव किया था, हालांकि उस वक्त के बाबा ज्यूज़ अल्लाह ताला को क्वेश्चन करते थे, क्या मूसा तू जा, चूंकि अल्लाह का जलवा देख, हमने देखा तो पहले भी हम मर गए थे, तू संभाल ले अल्लाह को। ये वो बाबे थे जो कि अपनी स्लेव आइडेंटिटी को अभी तक वॉश अवे नहीं कर सक रहे थे। वो जो मिस्र में स्लेव थे ना, वो अपनी आइडेंटिटी से बाहर नहीं आ सक रहे थे, अभी तक स्लेव मेंटेलिटी में थे। उनकी यूथ ने फिर दुनिया फतह कर ली थी, उनकी यूथ को फिर अलेक्जेंडर ने आके थिएटर इंट्रोड्यूस किया था नेटफ्लिक्स के थ्रू, कि भाई ये बहुत ज्यादा ही ये रिवाइव कर जाते हैं अपने आप को, पूरी दुनिया को टेक ओवर करने का ठेका लिया इनकी किताब ने। इनकी किताब में गन है, यहूदियों की बात बता रहा हूं, अलेक्जेंडर ने बोला था इनकी किताब में बंदूक है भाई, दे आर गोइंग टू फाइट। इनकी आइडेंटिटी के अंदर पैदा होता है बच्चा तो होस्टर लेके आता है, तो क्या हमारी किताब में गन नहीं है? ऑफ कोर्स हमारी किताब में गन है, कुरान पाक में ज्यादा बारूद है कंपेयर टू द जुडेइक बाइबल, इसीलिए तो पंगा पड़ा हमारे खिलाफ सबको, इसीलिए तो हम जाते हैं और एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं, नहीं नहीं सर आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आपसे तो पूछे नहीं, पीछे देख, पीछे तो कोई भी नहीं सर, आई एम अफ्रेड ऑफ माई ओन गोस्ट, यू नो व्हाट दैट गोस्ट इज, दैट गोस्ट कि सर आपके जो कूल अल्फाज हैं वो मेरे मेरे मजहब के बारे में भी, मेरी आइडेंटिटी के बारे में इंप्रेशन लेके बैठे हुए हैं, और मैं उसको खुद ही वॉश अवे करने की कोशिश कर रहा हूं। वी कैन इवन ओन अप टू आवर ओन बुक एंड वी कॉल ourselves मुस्लिम, सॉरी दैट्स नॉट गोना वर्क, दैट्स नॉट गोना कट इट, आपको डिप्रेशन में डालेगा। हर ओवरसीज मुसलमान से पूछ लें, हर ओवरसीज मुसलमान से पूछ लें कि बेसिक मसला क्या है, बेसिक मसला यह कि मैं आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एज अ मुस्लिम हियर, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, सिवाय पाकिस्तान के बाकी हर जगह पर इस्लाम का एक प्रूफ देना पड़ेगा। यूरोपियन मुस्लिम गर्ल्स कैरी द हिजाब ऑन देयर फेस एज अ स्टेटमेंट नाउ, द ओनली नॉन हिजाबी मुस्लिम हु डज नॉट लाइक द हिजाब इज द पाकिस्तानी वुमन, बिकॉज एम्फी थिएटर यहां पर ज्यादा, नेटफ्लिक्स यहां पर ज्यादा सेरोटोनर्जिक रिएक्शन दे रहा है, आइडेंटिटी की क्राइसिस आनी आनी थी इधर, वी वर वे अंडर द कर्व, हम हमेशा किसी और को अल्फा बना लेते हैं। सम पीपल आर एक्चुअली डिबेटिंग कि शायद हमारी लोकल जीन में मसला है, वी नेवर क्रिएट आवर ओन अल्फा, वी ऑलवेज फॉलो सम अल्फा, दुनिया की किसी और रेस में ऐसे नहीं होता। बहरहाल दैट्स अ डिबेट ऑफ अ टोटली डिफरेंट काइंड, द करंट डिबेट इज, सो क्या करूं सर, अब नेटफ्लिक्स आ गया, डेफिनेशन वहां से ले रहा हूं। हाँ तो नेटफ्लिक्स पे कौन कह रहा है मत जा, और वाली एटलीस्ट वो वाली किताब तो खोल जिसके अंदर तेरी केमिकल रिएक्शन की सेटिस्फैक्शन पड़ी हुई है, दैट इज वेयर यू गोइंग टू फाइंड सस्टेनेंस फॉर योर ओन केमिस्ट्री मैन, यू गोइंग टू फील बेटर एंड मोर एनर्जेटिक, एंड देन द वन क्वेश्चन मैंने कहा था ना इसका आंसर मिल जाएगा। 99 चीजें तो सेल्फ के अंदर से पता चल जाती हैं, वो वन चीज जो पता नहीं चलती कि मैं इसी टाइप पे इसी घर में इसी खानदान में इसी इलाके में पैदा हो गया हूं, कुछ तो काम होगा, अल्लाह के अंदर तुक्के नहीं है ना, अल्लाह तुक्के पता नहीं रैंडमली हैप हैजर्ड बंदे भेज रहा नीचे, ये कोई मशीन तो नहीं लगी हुई ऊपर रैंडम थ्रो करो इंसानों को नीचे, कहीं तो ये तो नहीं सोचा हुआ था आपने, यू आर हेयर बाय डिजाइन, किसी भी एक पत्ते को भी अल्लाह ताला बताई जाने आपकी साइकोलॉजी के को पत्ता भी नहीं हिलता मेरे रीजन के बगैर, कोई चीज ना उठाई जाएगी ना डाली जाएगी दुनिया में मेरे मेरी जात के बगैर। इसका मतलब है आयशा आप किसी तुक्के पर इधर नहीं आ गई, यू आर हियर ऑन ए पर्पस बाय ए पर्पस फॉर ए पर्पस, अभी केमिस्ट्री के थ्रू पता चल गया कि अच्छा मैं F-16 हूं क्या करूं, अब देखो मैप में क्या है तुम्हारा पर्पस, खुद ही तुम्हारा लैंडस्केप बताएगा तुम्हारा कोई काम था, बगैर किसी साइंस के, मतलब इस वक्त एडवांस साइंस के 50 साल पहले के साइकोलॉजिस्ट बताए कह रहे थे, इफ यू वांट टू नो योर आइडेंटिटी फाइंड आउट द प्रॉब्लम दैट बॉदर्स यू द मोस्ट, यू आर बोर्न टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वो मसला ढूंढो जिसको जिसकी वजह से रोज रात को सो नहीं सकते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी है कि तुम उसको सॉल्व करोगे। रिएक्टिव अप्रोच बट ओके इट वर्क्स, इट वर्क्स। अगर किसी को शॉर्टकट बताना हो ना कि सर मैं क्या करूं, जिस चीज की आग लगी हुई है ना कि यार ये तकलीफ मुझसे नहीं बर्दाश्त होती किसी की, वो जाके सॉल्व कर, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, बट दैट्स अ शॉर्टकट, यू नॉट गोना गेट कन्विंस्ड आउट ऑफ दिस, बिकॉज हर बंदे को दो या तीन चीजों के मसले, एक तो एक सर पैसे नहीं बना सक रहा हूं, ये मसला नहीं है सर, इसकी आग नहीं तुम्हें लगी हुई, एक्चुअली इससे तो दूर भागना चाह रहे हो, समथिंग देयर इज कॉलिंग टू योर सेल्फ इन द सेंस ऑफ एम्पथी एंड द सेंस ऑफ जस्टिस, जिसके ऊपर से तुम ब्राजील में भी पैदा हुआ बच्चा, अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा, पाकिस्तान में पैदा हुआ बच्चा, कोई एक खास दो या तीन चीजें मशीन में लेके आ रहा है, वो क्या है कि मेरे अंदर से सेंस ऑफ जस्टिस अंदर से निकलती है,
सेंस ऑफ जस्टिस अंदर से निकलते मेरे, कि मैं किसी के ऊपर इसलिए जुर्म नहीं करना चाहता बिकॉज मुझे पता है कि अगर कोई मेरे ऊपर करे तो मुझे तकलीफ होगी। इसके लिए मुसलमान होने की जरूरत तो नहीं थी, खाली इंसान होने के लिए पता चल गया। मशीन के अंदर बाय डिजाइन ये चीज आती है। दूसरा दूसरा क्या है, एम्पथी क्या होती है? एम्पथी होती है कि मुझे यह पता चल रहा है कि कौन सा बंदा किस तकलीफ में, बिकॉज आई कैन एक्चुअली हैव ए सर्टेन रेडार कि अगर मैं इस जगह पे हूं तो मुझे पता होगा इसके ऊपर क्या गुजर रही है, हालांकि मैं कभी भी नहीं होता सिचुएशन, बट आई कैन सेंस इट, दैट्स द सेंस ऑफ एम्पथी। सो ये दो चीजें ऐसे इंडिकेटर में थी जिसके ऊपर हर इंसान का प्रॉपर मशीन आपस में अंदर से आवाज लगा रही थी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों से लेकर आज तक कोई ऐसा लॉ किसी कम्युनिटी ने नहीं बनाया जो कि मेरी साहिल अदीम की आज 2021 की केमिस्ट्री से मैप ना करता हो, कि मैं अभी न्यूजीलैंड चला जाऊं या अफ्रीका चला जाऊं, मैं चिली चला जाऊं या अलास्का चला जाऊं, वहां पर जो लोकल नॉर्म्स होंगे वो मेरी नेचुरल मेक के साथ राइम कर रहे होंगे, कोई मुझे आते ही थप्पड़ लगा देगा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ठाक, वेलकम टू अलास्का, ये क्या किया आपने, दिस इज आर नॉर्म, वी वेलकम लाइक दिस, एंड व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन अ जैकेट because it's cold, no, it's our norm to take off the jacket, nothing's going to happen like that, right? because natural empathy or natural sense of justice har insaan khud hi practice kar raha hai baghair islam ke, jisko allah taala ne kaha na, nabi sallallahu alaihi wasallam ne kaha har bacche ko main apni fitrat pe paida karta hu, teri identity hamesha clear hoti hai, aur samjhe is baat ko ab, aur nabi sallallahu alaihi wasallam ne kaha ki paida to insaan allah hi ki fitrat pe paida hota hai, empathy aur justice leke aata hai, ab usko hone karne ke liye maa baap kya karte hain, hadith suna raha hu कि माँ बाप उसको अब यहूदी बना दें या नसरानी, ये साइकोलॉजी की फ्रेज है, याद रखिएगा, हदीस को बड़ा गौर से समझें, साइकोलॉजी कैसे बता रहे हैं प्रोफेसर सल्लम, वो कह रहे हैं कि 1400 साल पहले के यहूदी कौन थे और 1400 साल पहले के नसरानी कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, आजकल के नहीं, आजकल उल्टा हिसाब है, इन दोनों की बाइबल भी इकट्ठी हुई, दोनों दोस्त भी हैं। नबी सलाम ने कहा कि आप बच्चे को वो फितरा को लेफ्ट ले जाए 100% या राइट ले जाएंगे, उस वक्त यहूदी और नसरानी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, इनका फलसफा एग्जैक्ट ऑपोजिट था, अभी भी फलसफा एग्जैक्ट ऑपोजिट ही है, अभी पॉलिटिकल रेन की वजह से इकट्ठे हुए। सो अब या तो एक इस तरफ जाएगा तो दूसरे को काफर कहेगा, इस तरफ जाएगा तो पहले को काफर कहेगा, ये माँ बाप के ऊपर है, आपकी आइडेंटिटी किधर लेके जाता है वो। दैट्स वाई ऑल ऑफ द वीडियो यू एवर गोना वॉच ऑफ माइन आई गोइंग टू बी डायरेक्टेड टू द मदर, दैट्स वाई गर्ल्स आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, स्टेटिस्टिकली आप बताएंगे कि बच्चा दोस्ती है जनती है, स्टेटिस्टिकली इतना ही जरूरी है कि आपकी इस उम्र में आइडेंटिटी क्लियर हो जाए। दिस इज द प्रोडक्ट मैनुअल, इस प्रोडक्ट का मैनुअल बताई जा रहा है बार 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 बताई जा रहा है कि सुन लो ध्यान से, यू आर नेचुरली गोइंग टू हैव सम वॉइसेस, यू आर नेचुरली गोइंग टू बी एबल टू लिसन टू दोज वॉइसेस, किसी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, रेडी वाले को भी आवाजें आ रही हैं, वो भी उन्हीं लॉज के ऊपर बैठा हुआ अपनी अपने आप को बिहेवियर मैट्रिक्स के अंदर प्लेस कर रहा है, आपको भी आ रही है, बट देन ऑल ऑफ अ सडन We try to play the cool game that does not rhyme with your natural chemistry. जितने मर्जी स्टिकर लगा दें USS के F-16 के बाद, F-16 does not perform better or worse. It is going to perform the way it's designed to perform. जो उनसे मर्जी एयरलाइन का टिकट लगा दें और स्टिकर लगा दें Boeing 747 के ऊपर, machine is going to perform the way the machine is going to perform. So it doesn't matter how cool you are, you're going to end up in some hospital regretting the waste of so many years. Itne saal zaya honne ke baad, aap apne bachchon ko sirf rush ki nigaah se dekh rahe honge. Main abhi guarantee kar raha hoon aapko ki kaash mujhe tere wala time dobara mil jaye aur main aapko apne aap ko overhaul kar sakun ki in sab badbakhton ne milke mujhe kis race mein dal diya tha. क्या करता रहा मैं, बड़ा घर भी मुझे नहीं बचा सक रहा, बड़ी गाड़ी भी नहीं, एक्चुअली मुझे एंड में उन्हीं की वजह से अस्पताल आना पड़ा,